दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय जय माता दी मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल असली वशीकरण मंत्र में। इस चैनल में मैं आपको वही मंत्र, उपाय और टोटके बताता हूँ जो पहले से ही आजमाया जा चुका है और जिसका सफल परिणाम प्राप्त हो चुका है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि इन प्रयोगों का सिर्फ सदुपयोग ही करिए। आज मैं आपको बहुत ही प्रचंड, कहा जाए बहुत ही तीव्र वशीकरण प्रयोग बताऊंगा। इसे कर लेने के बाद आप अपने प्यार को निश्चित तौर पर अपने ही पास पाएंगे। ये बहुत ही चमत्कारी ढंग से काम करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले एक पीपल का पत्ता चाहिए मित्रों, सिर्फ एक। जब पीपल का पत्ता आप लेंगे तो उसे आपको तोड़ना है और खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना ही गिरा हुआ आपको उठाना है। यह लेकर आ जाइए और इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के इसे पवित्र कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद इस पीपल के पत्ते में आपको जो डिस्प्ले में दिख रहा होगा, यंत्र है यह बहुत ही, कहा जाए बहुत ही चमत्कारी या फिर बहुत ही ताकतवर वशीकरण यंत्र है जो प्रेम उत्पन्न कर देता है अपने विपरीत लिंग के ऊपर। तो इस यंत्र को आपको इसमें स्थापित करना है, अर्थात बनाना है। और बनाने के लिए कुछ ज्यादा चीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग की कोई से भी स्याही है, उससे आप बनाइए इसे। इसे बना लेने के बाद आपको दूसरी तरफ, जस्ट उसके पत्ते के पिछले तरफ, आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, जो भी नाम है उसका नाम लिख देना है। और इस प्रयोग को आपको प्रातःकालीन अर्थात सूर्य उदय से पहले स्नान करके ही करना है, मंगलवार के दिन। जी हाँ, सात्विक होकर ही करिएगा, ध्यान रखिएगा। और इस पत्ते को आपको ऐसी जगह रख देना है जहां पे किसी की नजर ना पड़े, आपके सिवा, सिर्फ आप ही उसे जाने, यहां तक कि सूर्य की रोशनी भी इस पे नहीं पड़नी चाहिए। जी हाँ, बस ये करिए और फिर देखिए आपके जो प्रेमी है या फिर प्रेमिका है उसके ऊपर कैसे प्रेम उत्पन्न होता है, किस तरह से उसके अंदर हलचल पैदा हो जाएगी, आपके लिए बेचैन हो जाएगा मित्रों इसे करने के बाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको वाकई में इस सब की जरूरत है। अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो आप नंबर डिस्प्ले में शो होता है उसमें मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबकी मंगल कामना करता हूं, तब तक के लिए जय जय माता दी मित्रों।